सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है अर्जुन खंडेलवाल और आप देख रहे हैं फिट अर्जुन 07 यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज का जो टॉपिक है वो है मसल गेनिंग मिस्टेक्स। काफ़ी लोग जो मिस्टेक्स करते हैं मसल गेनिंग में उसके बारे में बताने वाला हूँ प्रॉपर पॉइंट के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी अच्छी होने वाली है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल पर आता है फिटनेस रिलेटेड नॉलेज, डाइट्स, वर्कआउट्स और कुछ चैलेंजेस जो आने वाले टाइम में आने वाले हैं, तो ध्यान रखना। तो आओ बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, यू आर नॉट ईटिंग इनफ। जब बात आती है मसल बिल्डिंग की तो सबसे मेन रोल जो होता है वो होता है कैलोरीज का। आपको हमेशा कैलोरी फिक्स सरप्लस में खाना है, यानी आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करनी है। और आपको अपनी डाइट को सिंपल रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं करना। एंड एक और चीज़, काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार हम गेनिंग करेंगे, बल्किंग करेंगे तो हम फ्लफी हो जाएंगे, एब्स गायब हो जाएंगे। तो एक चीज़ समझ लो, अगर आपको मसल गेन करना है तो थोड़े टाइम के लिए आपके एब्स गायब हो जाएंगे, लेकिन 5 से 6 हफ्ते के कटिंग फेज के साथ वो एब्स फिर से विजिबल हो जाएंगे और आप फिर से श्रेडेड दिखोगे और आपका मसल मास भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 2, यू आर नॉट हैविंग इनफ कार्ब्स। मसल बिल्डिंग में आपको दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, एक तो आपका वर्कआउट और एक आपकी रिकवरी। अगर दोनों अच्छे से हो रहा है तभी आपका मसल गेन थोड़ा अच्छे से हो पाता है। अब जैसे मान लो आपने वर्कआउट बहुत ज़्यादा इंटेंस करा या हैवी करा है और आप रिकवर नहीं कर रहे हो, 2-3 घंटे ही सो रहे हो, तो रिकवरी नहीं होगी, मसल गेन नहीं हो पाती है। और हाँ, कार्ब्स जो है सबसे मेन रोल प्ले करता है आपकी रिकवरी में। कार्ब्स खाने में भी टेस्टी होते हैं और वो बाद में ब्रेक डाउन होकर आपको ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं। ग्लूकोज से आपके अंदर एनर्जी अच्छी रहती है और आपका वर्कआउट बहुत अच्छा होता है। आप कार्ब्स को प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट दोनों में ऐड कर सकते हो। प्री वर्कआउट के टाइम पर ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपको 1 घंटे पहले कार्ब्स कंज्यूम करने हैं, जिससे कि बाद में आपको ब्लोटिंग ना हो। और पोस्ट वर्कआउट में ओट्स एक बहुत अच्छा सोर्स है कार्ब्स ऐड करने का, बिकॉज उससे रिकवरी भी बहुत अच्छी होती है। एंड हाँ, कार्ब्स जो है वो आपके प्रोटीन ब्रेकडाउन में भी हेल्प करते हैं। अब जैसे मान लो आपने डेली का इनटेक कर रखा है प्रोटीन का 160 ग्राम टू 180 ग्राम्स, लेकिन वो आपकी बॉडी को एब्जॉर्व ही नहीं हो पा रहा पूरा, तो क्या मतलब है। इसलिए कार्ब्स बहुत एक मेजर रोल प्ले करते हैं आपके मसल गेनिंग में। मिस्टेक नंबर 3, यू आर रिलाइंग टू मच ऑन सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स को वैसे तो डाइट के बाद एक बहुत अच्छा गिफ्ट माना जाता है, बिकॉज कुछ चीज़ होती है जो डाइट प्रोवाइड नहीं कर पाती, कुछ न्यूट्रिशन होता है वो चीज़ सप्लीमेंट से आपको मिल जाता है। लेकिन सप्लीमेंट्स पर रिलाई करना भी एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो आपकी सिर्फ 5-10% ऑफ न्यूट्रिशन नीड्स को पूरा करता है। आपको 3 चीज़ों पर ध्यान रखना है। नंबर 1, आपकी जो रिकवरी है वो अच्छे से हो रही हो। नंबर 2, आप रेस्ट प्रॉपरली ले रहे हो। एंड नंबर 3, आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो। अगर ये तीनों करोगे तो आपकी मसल गेन बहुत अच्छे से होगी। मिस्टेक नंबर 4, यू आर स्टिकिंग टू वन रेप रेंज। मसल बिल्ड करते टाइम आपकी जो रेप रेंज होनी चाहिए वो 6 से 15 की होनी चाहिए, और उसी के बीच में आपको अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होता है। लेकिन जब बात आती है रेप रेंज को पिक करने की तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, बिकॉज अलग अलग एक्सरसाइज के लिए अलग अलग रेप रेंजेस होती है। लेकिन रेप रेंज को चूज़ करने के लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, आप हैवी वेट पुश कर रहे हो और अच्छी वॉल्यूम क्रिएट कर पा रहे हो। अगर ये दोनों कर रहे हो तो वही आपकी रेप रेंज है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप ये भी फॉलो कर सकते हो कंपाउंड एक्सरसाइज, जैसे कि डेडलिफ्ट या बेंच प्रेस हो गई। इसके अंदर आपकी जो रेप रेंज है वो 6-10 की होनी चाहिए। आइसोलेशन मोमेंट्स जैसे कि बारबेल कर्ल्स या फिर लैटरल रेजेस, इनमें आपकी रेफरेंस 10-15 की होनी चाहिए। और जो मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज होती है जैसे कि पुलअप्स या फिर रोमेनियन डेडलिफ्ट, उनमें जो आपकी रेफरेंस होनी चाहिए वो 8-12 की होनी चाहिए। इस तरह से मसल और अच्छे से बिल्ड होती है। मिस्टेक नंबर 5, यू आर लिफ्टिंग विथ योर ईगो। सबसे मेन प्रॉब्लम जो होती हैवी लिफ्ट करने में वही यही होती है, आपका ईगो बढ़ने लग जाता है। और जब आप ईगो लिफ्टिंग करते हो तो आपकी सिर्फ ईगो ही बिल्ड होता है, आपकी मसल बिल्ड नहीं होती है। इट्स जस्ट लाइक एंडिंग अप लुकिंग सेम विद अ जॉइंट ईगो। आपको क्या लगता है, ऐसे हाफ रैप करके या फिर मोमेंटम में वर्कआउट करके और थोड़ी सी आवाज निकाल के आप बीस्ट बन जाओगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मसल बिल्डिंग का मतलब होता है आपकी मसल को स्टिमुलेट करना और उसी से वो ग्रो होती है। और आपको फुल रेंज ऑफ मोशन पर भी ध्यान देना होता है। अगर आप ऐसे हाफ रेप्स करोगे या फिर स्विंग करके वर्कआउट करोगे तो ना तो मसल पर टेंशन आएगी और ना स्टिमुलस क्रिएट होगा और उससे मसल बिल्ड नहीं होगी। और हैवी लिफ्टिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है, मसल बिल्ड होना तो दूर है, आपके जॉइंट्स खराब होने लग जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी, प्रॉपर फॉर्म के साथ वर्कआउट करना है, तभी आपकी मसल बिल्ड अच्छे से हो। मिस्टेक नंबर 6, यू आर नॉट कंसिस्टेंट। आपको अपने गोल की तरफ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अब काफ़ी लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि बल्क बहुत ज़्यादा हो गया, अब थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं, और कटिंग करते टाइम उनके पास प्रॉपर नॉलेज होती नहीं है। और अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो फैट के साथ साथ मसल भी लॉस हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, आप एक कोच हायर कर लो, वो आपको ऑन पॉइंट भी रखेगा और आपको बार बार ट्रैक भी करता रहेगा, ये ज़्यादा सही रहेगा। नहीं तो नॉलेज लो और नॉलेज लेके फिर आप ही गेनिंग या कटिंग करो, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मिस्टेक नंबर 7, यू आर नॉट ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस एंड यू डोंट हैव एनी गोल।
गोल। मसल बिल्ड करते टाइम ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको अपनी प्रोग्रेस को भी ट्रैक करना है और आपको अपना गोल भी सेट करके रखना है। अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं करते हो तो ये वैसा ही है जैसे आप एक मैराथन में रन तो कर रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप कहाँ तक पहुँच गए हो और ये भी नहीं पता कि कहाँ तक जाना है। अगर ये दोनों चीज़ें पता ही नहीं होगी तो फिर आप कैसे जीतोगे? तो हाँ, आपको एक बेंचमार्क सेट करके रखना है और आपको एक यूनिट मेजर करना है जिससे कि आपको पता चलता रहे कि हाँ आपकी प्रोग्रेस हुई भी है या नहीं हुई है, तभी आपका मसल गेन भी अच्छे से हो पाएगा। प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए ये तीन चीज़ें आप कर सकते हो। नंबर वन, आपको वर्कआउट के टाइम अपने रेप्स, सेट्स और वेट, ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। नंबर टू, हर हफ्ते अपनी एक फ़ोटो क्लिक करनी है। एंड नंबर थ्री, हफ्ते में 3 बार आपको वेट मेजर करना है। अगर ये तीनों करोगे तो आप प्रोग्रेस ट्रैक करते रहोगे और आपको एक गोल भी बनाना है जिससे कि आप उस गोल तक पहुंच भी पाओ। मिस्टेक नंबर 8, यू आर यूजिंग टू मच वॉल्यूम। जब बात मसल बिल्डिंग पर आती है तो आपने काफ़ी लोगों से ये सुना होगा कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी वेट के साथ वर्कआउट करना है और आपको सेट ज़्यादा लगाने हैं। तो ये चीज़ एक पॉइंट तक सही है, लेकिन ये सारी चीज़ें ऐड ऑन करना एक बार में भी वेस्ट है, बिकॉज अगर आप प्रॉपर रेप्स नहीं लगा पा रहे हो और प्रॉपर रिकवरी नहीं कर पा रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप एक प्रॉपर फॉर्म के साथ लिफ्ट नहीं कर रहे हो और मसल पे स्ट्रेस ही नहीं आ रहा, बस बेकार में रेप्स करे जा रहे हो, तो मसल बिल्ड तो वैसे ही नहीं होगी और हो सकता है आपके जो जॉइंट्स हैं वो भी थोड़े से अफेक्ट हो जाएं। तो इसलिए थोड़ा टाइम लो, अपनी फॉर्म पे फोकस करो, पहले ये चेक करो कि मैं इस वेट के साथ प्रॉपरली रेप्स लगा पा रहा हूँ या फिर नहीं लगा पा रहा। अगर नहीं लगा पा रहे हो तो वेट्स को थोड़ा ड्रॉप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और मसल पे अच्छे से टेंशन लाओ। थोड़ी सी सोरनेस होगी तो सही है, मसल गेन हो जाएगी। एंड हाँ, रिकवर अच्छे से करना है। तो गाइस, आज की वीडियो यहीं तक थी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप कोई भी काम कर रहे हो आपको उसके अंदर कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कोई फंक्शन आ गया, कोई एग्जाम्स आ गए तो आपने वर्कआउट छोड़ दिया। आपको रेगुलरली 1 घंटा रखना है कि 1 घंटा वर्कआउट करना है तो करना है, चाहे वो सुबह करो, चाहे शाम को करो या फिर रात को करो। 1 घंटा ज़रूरी है वर्कआउट करना। और मसल गेनिंग भी एक स्किल है और स्किल को सीखने में टाइम लगता है, नॉलेज लेने में टाइम लगता है। और अगर आपके पास नॉलेज लेने का इतना टाइम नहीं है और आप एक कोच अफोर्ड कर सकते हो तो कोच हायर कर लो। वैसे तो मैं भी ट्रेनिंग दे सकता हूँ, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, इसके लिए ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाना, कमेंट करके मुझे बताना कि नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं हर टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूँगा, सारे टॉपिक कवर करता रहूँगा। और गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।